दोस्तों, इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी को अपने वाली सिकंदर लोदी की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1518 ईस्वी में उसने ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह पर हमला किया तो बिक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की सेना के सामने हथियार डाल दिए। 1518 ईस्वी के अंत में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर हमला किया जिसमें उसे सफलता नहीं मिल सकी। इब्राहिम लोदी पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी से नाराज हुआ और उसे सबक सिखाने का इरादा कर लिया। दौलत खां लोदी ने उससे डरकर काबुल के शासक बाबर से सहायता मांगी। इससे पहले दिल्ली पर हमला करने के लिए राणा सांगा ने बाबर से सहायता मांगी थी। यहां तक कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने भी बाबर को हिंदुस्तान आने का आमंत्रण भेजा था। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुंचा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर जंग हुई जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी जंग के मैदान में ही मारा गया।